स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए राजधानी पटना में कोरोना वायरस डिस इन्फेक्शन टनल बनाया गया है और इसकी शुरुआत जो है आज की जा रही है। पटना नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो भी यहाँ पर है। अच्छा सर, जो डिस इन्फेक्शन टनल बनाया गया है, इससे पटना में और जगह ये बनाए जाएंगे? ये हम लोग सभी सब्जी मंडियों पर इसको इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी, तो इसको अगले 2 से 3 दिन में सभी सब्जी मंडियों पर हम लोग इंस्टॉल। उम्मीद है अगर आने वाले समय में अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो उस वक्त भी एहतियात? ये हाँ, ये लगातार जारी रहेगा जब तक कोविड का हम लोग को प्रॉब्लम्स हैं या सिस्टम वो खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग इंस्टॉल। अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो पहले से तैयारियां की जा रही हैं और आगे भी और जगह भी खुल सकता है, जैसे कि फल मंडी हो, मंदिरों की जगह, सभी जगह हम लोग इसको प्लान करेंगे जहाँ जहाँ पर भी भीड़ होने की संभावना। देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोरोना वायरस डिस इन्फेक्शन टनल बनाया गया है पटना नगर निगम के द्वारा और एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पटना की जो मेयर है वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और ये तस्वीरें अंदर की हम चाहेंगे आप तक दिखाना। देखिए किस तरीके से वहाँ पर मशीन भी लगाया गया है और इसके अंदर यदि आप जाते हैं तो पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से फव्वारा जा रहा है, फव्वारा निकल रहा है और ये तस्वीरें जो हैं लाइव स्ट्रीम आप तक पहुँचा रहे हैं। किस तरीके से फव्वारे की तस्वीर आपने देखी है, अंदर यदि आप जाते हैं तो पूरी तरीके से सैनिटाइज आपको कर दिया जाएगा और ये तस्वीरें लाइव स्ट्रीम के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएं। देखिए किस तरीके से यदि आप अंदर आते हैं तो फव्वारे की जो तस्वीर है पूरी तरीके से सन्नाटे की जो तस्वीर है हम आप तक सड़कों से तो पहुँचा ही रहे, लेकिन ये किस तरीके से अंदर की तस्वीरें लाइव स्ट्रीम आप तक पहुँचा रहा है पूरी तरीके से, यदि आप अंदर से होकर गुजरते हैं तो आपको पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पीछे जो टनल बनाया गया है इसमें सभी लोग खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को उठा कर आ रहे हैं और अंदर फव्वारे की जो तस्वीर है वो भी लाइव स्ट्रीम तक पहुंचा रहा है। इसके अंदर से यदि आप होकर गुजरते हैं तो आपको सैनिटाइज कर दिया जाएगा पूरी तरीके से और ये जो फव्वारा निकल रहा है ये कहीं ना कहीं आम लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगा। जो कोरोना वायरस को लेकर देश में पूरी तरीके से अलर्ट है, महामारी फैली हुई है, इससे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से एहतियात कदम उठाया है और पटना नगर निगम इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। आपने देखा किस तरीके से पटना के जो DM है कुमार रवि वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, पटना के मेयर सीता साहू वो भी यहाँ पहुँची हुई थी, इन दोनों ने मिलकर शुभारम्भ किया है और खुद को सैनिटाइज भी किया है। क्लोराइड रहता है और उसमें 0.5% सॉल्यूशन के साथ उसको स्प्रे किया जाता है ताकि जो बॉडी का है या बॉडी के बाहर जो कपड़े हैं उसका ऊपर अगर किसी तरह का है तो डिसइंफेक्शन कराया जाता है। इससे असर रहेगा, इसका जो जाएंगे उसका असर इमिडिएटली होता है और सब्जी खरीदने में चूंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा लोग देर नहीं रहते हैं लोग, तो जितनी देर जाएंगे उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और भी जगहों पर सप्लाई की स्थिति को देखते हुए और भी जितनी बड़ी सब्जी मंडियां हैं खास करके जो मीठापुर है और दिखा है और अन्य सब्जी मंडियां हैं वहाँ धीरे धीरे करके इसको इंस्टॉल किया। एक तरफ जहां पटना जिला प्रशासन पूरी तरीके से लोगों के रख रखाव का इंतज़ाम कर रही है, लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए उसका इंतज़ाम कर रही है, देखभाल कर रही है, तो उम्मीद है आप भी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सावधानी ज़रूर बरतेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। लाइव सिटीज़ देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।